हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। टुडे वी विल डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग्स नेक्स्ट टॉपिक। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं और मैंने सोचा जिसके टॉपिक्स कम हैं उनको पहले कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आपको एक रिदम में आपका एक सब्जेक्ट प्रॉपर तैयार हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। 96% स्टूडेंट्स जो डेली मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, कंटेंट को यूज़ करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। एक यही चाहिए मुझे आपसे, एक सब्सक्राइब और एक लाइक। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर, मैरिट एंड लिमिटेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सिमुलेशन, देखिए सिमुलेशन क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना ताकि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है रियल लाइफ में उस सिचुएशन को फेस करने से पहले उससे अवेयर रहे, ठीक है। किस तरह की प्रॉब्लम्स उसको आ सकती हैं उसके लिए भी वो अवेयर रहे और उनसे अच्छे से डील कर सके, ओके। सो सिमुलेशन इज अ कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। सिमुलेशन मीन्स रोल प्लेइंग और रिहर्सल इन विच द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज कैरिड आउट आर्टिफिशियली। मीन्स ये एक रिहर्सल टाइप होती है या रोल प्लेइंग होती है जो कि आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में करते हो, ठीक है। सो अब जैसे ये गेम्स होती हैं, ऑनलाइन गेम्स, जो ये मशीन विल गेम्स होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप रियल में चला रहे हो, तो ये सब एक सिमुलेशन की ही एग्जांपल है। डेफिनेशन ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, देखिए आप कोई भी डेफिनेशन इनमें से ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप कोई भी डेफिनेशन किसी के राइटर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो आपको सेम वर्डिंग, सेम लाइन्स यूज़ करनी है, उसके बाद में आप उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो इन योर ओन वर्ड्स फॉर स्कोरिंग द गुड मार्क्स, ओके। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, सिमुलेशन इज डिफाइंड एज गिविंग द अपीयरेंस और ऑफ एफर्ट ऑफ टू हैव करेक्टरिस्टिक्स, एंड अकॉर्डिंग टू तानसेन, सिमुलेशन इन द ऑल इंक्लूसिव टर्म विच कंटेन्स दीज एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स और विच प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्सपीरियंसिस फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द एक्टिविटी, इट इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ द रियलिटी। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द तानसेन, एंड अकॉर्डिंग टू फिंक, सिमुलेशन इज अ कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी। ये सब राइटर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपनी थॉट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस दी हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, देखिए जो सिमुलेटेड टीचिंग होता है वो टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक टीचर को ट्रेन करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज की जाती हैं, टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं, उनमें से एक है, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है कि पीपल टीचर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना, मीन्स चेंजेस करना, कि उनका बिहेवियर या उनका टीचिंग मेथड कुछ भी है बट रियल लाइफ में जैसे कि एक टीचर को स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से बच्चे के साथ डील करना है, ओके, पोलाइटली एंड विद अ काम माइंड। सो सिमुलेटेड टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, इट इज यूज टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द टीचर। इट इंट्रोड्यूसेस पीपल टीचर टू टीच इन नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशंस, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन विच इज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द टीचर, राइट। कई बार क्या होता है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपके दिमाग में उस टाइम पे नहीं होता, या आपको उस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बट उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना आना चाहिए, बिकॉज इवन अ टीचर इज अ ह्यूमन बींग, राइट। वो भी भूल सकते हैं, उनके दिमाग से भी स्किप कर सकता है। सो हाउ यू हैव टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, ये सब चीज़ें उनको सिमुलेशन टीचिंग में समझाई जाती हैं। सिमुलेटेड टीचिंग इज यूज्ड टू द क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ स्पेसिफिक स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। पीटीएम होती है, राइट। पीटीएम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के बच्चे आते हैं, बहुत सी शिकायतें होती हैं कि हमारा बच्चे को तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं जी, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो उस टाइम पे उनका जो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है पेरेंट्स का, उस समय उनसे कैसे डील करना है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को किस तरह से बताना है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो हाइपर ना हो, राइट। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को सिखाते हैं। इन सिमुलेटेड टीचिंग वन पीपल टीचर एक्ट एज अ टीचर एंड अदर टीचर ट्रेनर एक्ट एज अ स्टूडेंट। देखिए जब भी सिमुलेशन टीचिंग करवाई जाती है ना, उसमें कुछ एड्स यूज किए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, पीपल टीचर्स होते हैं, उन सब में ड्यूटीज़ को, रोल्स को डिवाइड कर दिया जाता है कि एक पीपल टीचर बनता है, बाकी स्टूडेंट बनते हैं और एक फीडबैक एनालिसिस बनता है। तो वो क्या करते हैं, एक जैसे कि क्लास में होता है बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं या टीचर समझाता है, वो बिल्कुल उसी तरह से अपने एक टॉपिक को समझाते हैं, ठीक है। सो बेसिक अजम्पशंस, देखिए हम कुछ इस स्ट्रैटेजी में कुछ एज्यूम करके चलते हैं। क्या ज्यूम करके चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी फीडबैक पीपल टीचर को मिलेगी उससे टीचर का जो बिहेवियर होगा वो मॉडिफाई होगा। सेकंड कि जो उनको फीडबैक दी जा रही है वो उनके लिए हेल्पफुल होगी और उनके लिए मोर बेनिफिशियल रहेगी,
ठीक है। और ये भी हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम टीचर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या उनका टीचिंग वे है और वो सही है या नहीं है, उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा तो होगा ही, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर बिहेवियर विच आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। दी सोशल स्किल्स शुड बी मॉडिफाइड बाई फीडबैक डिवाइस, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे का अपना एक वे होता है, पेपर टीचर होते हैं उनका भी एक अपना वे होता है ना टीच करने का। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी उनको सजेशंस दिए जाएंगे एज अ फीडबैक, वो उसको सीरियसली लेकर उसको अपने बिहेवियर में लाएंगे, ठीक है। और रोल प्लेइंग से क्या होता है कि पेपर टीचर का एक जो उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो खुद उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि रोल प्ले के थ्रू जो भी उनको फीडबैक दी जाएगी या जो भी वो करेंगे उसका उन पर इम्पैक्ट होगा, ठीक है। टीचर बिहेवियर हैज इट्स टैक्सोनॉमी। अब देखिए टैक्सोनॉमी क्या होती है, जैसे कि हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, राइट, कि किस किस लेवल पे क्या क्या बच्चा सीखता है या करता है, वैसे एक टीचर बिहेवियर की भी एक टैक्सोनॉमी होती है जो कि कार्ल ओपेनशॉ ने दी थी, ठीक है, बाय यूजिंग द स्टिमुलेटरी टीचिंग टेक्निक। एलिमेंट्स ऑफ स्टिमुलेटरी टीचिंग टेक्निक्स, देखिए इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन एंड थर्ड इज इवेल्युएशन, ठीक है। अब पहले मैं इसको समझा देती हूँ, बिकॉज देखिए ये कुछ टॉपिक ना छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जो हम सेपरेटली इनको नहीं नोट कर सकते, बट ये मार्क्स स्कोरिंग होती है। कैसे, क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाट इज सिमुलेटेड टीचिंग इन टू मार्क्स। टू मार्क्स में आप एक डेफिनेशन लिख दीजिए, उसका मीनिंग लिख दीजिए और उसके या तो एजम्पशन लिख दीजिए, राइट, या उसके एलिमेंट्स लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर 5 मार्क्स में आता है, एजम्पशन, एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों लिख दीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स बने आएंगे आपके, ठीक है। सो डायग्नोसिस में क्या होता है कि आप डायग्नोस करते हो बच्चे की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपको किस तरह से उनको रोल प्ले देना है या किस तरह से अगर उनकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, आप कुछ स्ट्रेटजी बना लेते हो, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप ये चीज़ मान के चलते हो कि आपने जो सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया है या जो स्ट्रेटजी यूज़ की है उससे वो चेंज बच्चे में होगा, ठीक है। आप ये अज्यूम करके चलते हो कि आपने सही कंटेंट चुना है, सही सब्जेक्ट मैटर चुना है। इवेल्युएशन क्या होता है कि आप इवेल्युएट करते हो कि आपने जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की थी वो सही है कि नहीं है, वो मेथड सही है कि नहीं है, हमारा वे सही है कि नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी, तो ये जो एलिमेंट्स है सारे अपने आप में ही इनकी एक इंपॉर्टेंस है, बिकॉज डायग्नोस किए बिना आप रोल प्ले के में डिसाइड नहीं कर सकते कि उसको कौन सा रोल देना है, और ना ही आप उनकी वीकनेस को दूर करने के लिए कोई भी आप स्ट्रेटेजी दे सकते हो, राइट। प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि अगर आपको अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने सही कॉन्टेंट बनाया है तो आप टीच कैसे करोगे, राइट। तो इवेल्युएशन में क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कहाँ पर कमी थी और आप उसको चेंज कर लेते हो। तो सबकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एंड ऑल थ्री एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस में क्या होता है, टीचर मेक्स एफर्ट टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स, एट दिस स्टेज ही बिकम्स अवेयर ऑफ द वीकनेस, एज आई टोल्ड यू इट इज जस्ट अ कंटेंट, सो एट दिस स्टेज ही बिकम्स अवेयर ऑफ द वीकनेस, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, एंड सजेस्ट स्टूडेंट टू लर्न अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्शन, एट दिस स्टेज द टीचर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द स्टूडेंट मैटर इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, मीन्स ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट द कंटेंट दैट ही हैज चूजन। Evaluation, finally evaluation is made if reveals the success or failure of the teachers and also the weakness and achievement of the student. अब देखिए आपका question कितना अच्छा बनता है, अगर आपके पास simulated teaching के regarding कोई भी छोटा question भी आ जाएगा तो आप उसकी definition लिखेंगे, meaning लिखेंगे, एक example लिख देंगे और फिर उसके elements या assumption लिख देंगे। ये कोई difficult नहीं है, आपकी speed होनी चाहिए लिखने की, आपके scores बहुत अच्छे आएंगे। Next is steps in simulation, अब कौन कौन से step होते हैं। सेलेक्टिंग द रोल प्लेयर्स की आप वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानकर आपको, इसीलिए उसके एलिमेंट्स मैंने ऐड करवाए थे, बिकॉज एलिमेंट्स के बिना आप स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। अगर आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है तो आप रोल प्ले में रोल डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लेती हूँ 5 स्टूडेंट्स की, नेम ए बी सी डी ई, ठीक है। तो आपने डिसाइड कर लिया ए क्या रोल करेगा, बी क्या रोल करेगा, सी क्या रोल करेगा, डी और ई क्या क्या रोल करेंगे, ठीक है, सब में रोल डिसाइड हो गए, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सेलेक्टिंग एंड डिस्कसिंग द स्किल्स, आप उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटीज दे देते हो, ठीक है, कि क्या क्या उनका काम रहेगा। डिसाइडिंग, उसके बाद प्लानिंग, आप प्लानिंग करते हो किसके बाद कौन टर्न वाइज बोलेगा, राइट, क्योंकि जैसे देखिए अगर आप पीपल टीचर, आप इन्वायरमेंट देखते हैं तो पीपल टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग भी करते हैं बीच में, तो आप एक डिसाइड करते हो कि वो कंटेंट पढ़ा रहा है तो कौन सा स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पूछेगा, फिर कौन सा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
सो डिसाइडिंग द प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन, फिर आप इवेल्युएशन का वे ढूंढते हो कि किस तरह से आप इवेल्युएशन करोगे. प्रोवाइड प्रैक्टिकल लेसन, आप प्रैक्टिकल लेसन उनको प्रोवाइड करते हो, मीन्स डेमो किया जाता है, पीपल टीचर पढ़ाता है, जो भी ड्यूटीज जैसे भी असाइन की गई हैं वैसे ही सब अपना रोल प्ले करते हैं, और इन द एंड फीडबैक प्रोवाइड की जाती है. इन सब के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जो सबके रोल्स को एनालिसिस करता है, सबके रोल्स में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है वो नोट डाउन करता है और फिर बाद में उनको बताता है. ठीक है, सो अब इसके हम थ्योरी देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स. सेलेक्टिंग पीपल टीचर, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टीचर इज सेलेक्टेड. लेटर्स ए बी सी डी एक्सेट्रा आर असाइन टू ईच पर्सन इन द ग्रुप. रोल असाइनमेंट्स आर रोटेटेड बाय लेटर्स सो दैट ईच इंडिविजुअल हैज अ चांस टू बी एन एक्टर और ऑब्जर्वर. पीपल टीचर को स्टूडेंट बनने का मौका दिया जाता है, स्टूडेंट को पीपल टीचर बनने का मौका दिया जाता है, राइट. क्योंकि जब सब एक एक बार प्ले रोल प्ले करेंगे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स भी होंगे और उनको उस रोल में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है. ठीक है, हो सकता है पीपल टीचर बहुत अच्छे हैं बट एज अ जो फीडबैक लेने वाला टीचर होता है वो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से फीडबैक नहीं बन दे पा रहे हो, तो वो भी आपको चीज़ें समझाई जाती हैं. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एंड डिस्कसिंग स्किल्स. द स्किल्स टू बी प्रैक्टिस्ड आर सेलेक्टेड एंड डिस्कस्ड. Topics of conversation that fit the skills are also suggested. Select one topic for the first session and decide an additional topic so that each individual has a chance to select one topic that makes him comfortable in his role. कि आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि चलो कई बार बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता तो एक के बजाय आप दूसरे टॉपिक पे दे सकते हो. नेक्स्ट डिसाइडिंग कंसिडरेशंस की किसके बाद कौन स्टार्ट करेगा. ठीक है, कि रोल प्ले में किस सिक्वेंस में आपको रोल प्ले करना है. Next is deciding procedure of evaluation. The procedure of evaluation, kind of data to be recorded and the method of recording etc. are decided. Conducting practice session. First practice session is conducted and then actors are provided with feedback on his performance and the time is given to each individual person so that they can take a full time to make the changes in their behavior. कि जो उनको feedback दिए गए हैं वो उसको अपने अंदर मॉडिफाई करने के लिए, अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने के लिए उनको टाइम भी दिया जाता है. तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. प्रिपेयर टू चेंज द प्रोसीजर, तो उनको टाइम दिया जाता है ताकि वो अपने अंदर चेंजेस ला सके. नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ अ सिमुलेटेड टीचिंग. अब मेरिट्स क्या है कि मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, राइट. उसके बाद क्या है कि आपको प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टीचर्स टू स्टडी एंड एनालिसिस क्रिटिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स, कि किस तरह की उनको प्रॉब्लम्स टीचर्स को क्लास में आ सकती हैं उसके रिगार्डिंग उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं. दूसरा थर्ड क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं. कैसे, अब देखिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा टीच करने के लिए वो आपके क्यूरिकुलम में होगा. अब क्यूरिकुलम एक बार तो डिज़ाइन कर दिया जाता है बट कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक उनके रियल लाइफ से लिंक नहीं होते हैं, तो सिमुलेटेड टीचिंग में आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक रियल लाइफ से मैच नहीं करते हैं और उनके बिना भी सब्जेक्ट को अच्छे से टीच किया जा सकता है. तो इन चीज़ों में लिंक करके आप जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं क्यूरिकुलम में, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, आप उनको अवॉइड करवा सकते हो. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट्स रिकॉग्नाइज देयर ओन प्रोग्रेस बाय वेरियस फीडबैक मेथड्स, की फीडबैक से वो अपने अंदर अपनी प्रोग्रेस में को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दिस सर्व एज अ सोशल लेबोरेटरी, दे कैन एक्सरसाइज अ सोशल स्किल्स एक्वायर्ड, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग देम. अब क्या क्या मेरिट्स हो गई हैं शायद आपको याद भी हो गई होंगी, कि टीचर्स को मोटिवेट करता है उनको अपने अंदर, क्या क्या टीचर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं उसके रिगार्डिंग उनको रेडी करता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में लिंक बनाता है, फीडबैक मेथड से उनकी प्रोग्रेस में हेल्प करता है, सोशल लेबोरेटरी की तरह सर्व करता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट टीचर अंडरस्टैंड द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम एंड डेवलप इनसाइट इनटू एनकाउंटर देम. कि वो प्रॉब्लम्स आए ही ना उसके लिए आप स्टार्टिंग से ही कोशिश करते हो. ठीक है, क्योंकि आपको पहले पता है किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको सिमुलेटेड टीचिंग में बता दिया गया, तो आप जब रियल टाइम में जाते हो क्लास के अंदर एज अ टीचर तो आप कोशिश करते हो कि आपको वो प्रॉब्लम्स आए ही ना. ठीक है, सो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एफिशिएंसी इन स्टूडेंट टीचर्स एंड इन प्रिडिक्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टीचिंग बिफोर गोइंग टू एक्चुअल क्लासरूम. नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ रोल प्लेइंग, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट टीचर. जब आप रोल प्ले करते हो ना तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है, कि आपको अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स आपको किस तरह से अपने मेथड को चेंज करना है. ठीक है, वो आप इमीडिएट कर पाते हो क्योंकि आपको सिमुलेटेड टीचिंग में प्रैक्टिस करवाई गई है. ठीक है, सो दिस मेथड रिक्वायर्स अ टीचर टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस एंड कंट्रोल टीचिंग असाइनमेंट्स आर पॉसिबल. यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब है कि कंट्रोल टीचिंग असाइनमेंट्स कौन सी होती हैं.
कंट्रोल टीचिंग असाइनमेंट्स वो असाइनमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर टीचर का पूरा कंट्रोल होता है, किस तरह से कितना मटेरियल उसको यूज़ करना है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है, इन्फिनाइट नहीं। कि आपको पता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ाना है उसके लिए आप एक मॉडल यूज़ करोगे, एक प्रेजेंटेशन यूज़ करोगे और कुछ भी एक ABC चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट वो आपको पता है कि आपको फिक्स इतनी ही यूज़ होनी है और आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हो, ठीक है। सिमुलेशन इज अ यूनिवर्सल बिहेवियर मोड, इट शार्पन्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड इट वर्क्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द अनरियल एंड रियल। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज जब तक उसमें स्किल्स नहीं डेवलप हो जाती हैं तब तक वो प्रोसेस कई बार उनको कंटिन्यू करना पड़ता है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ये प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, ठीक है, और बड़ी क्लासेस के लिए बस मोस्टली की जा सकती है, छोटी क्लासेस के लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं होती हैं। अब A to Z के लिए आप क्या सिमुलेशन करवाओगे, राइट। सो सिमुलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन बिकॉज मैकेनिज्म इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉलो। मैन्यू सिमुलेटर्स आर नीडेड विच मे नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। द यूज़ ऑफ सिमुलेशन कैन नॉट बी मेड इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द क्यूरिकुलम। सिमुलेशन कैन नॉट बी कन्वीनियंटली यूज इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन बिकॉज मैकेनिज्म इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉलो। आई थिंक ये पॉइंट रिपीट हो गया, सो आप अवॉइड कर सकते हो। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स बिकॉज उनको चार्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं और किस तरह से उनको प्रेजेंटेशन देनी है, वो उनको प्रैक्टिस भी घर पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है और एक उनको प्रेपरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वेरी फ्यू टीचर्स आर प्रिपेयर टू टेक अप द एक्स्ट्रा वर्क बिकॉज कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनको मॉडिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो पहले ही बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनको कुछ और वर्क भी करना पड़ जाता है जिससे कि उनके ऊपर वर्क बर्डन हो जाता है। नेक्स्ट इज एज इट डिमांड्स ऑडियो विजुअल एड्स सो इट एनहांसेस द कोर्स। हाँ जी, बिकॉज आपको कुछ ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत पड़ेगी ताकि उनको समझाने के लिए या उनको यूज़ करने के लिए, क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कुछ एड्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, जो रियल लाइफ में ऑलरेडी होते हैं बट उनको उसे अवेयर करवाने के लिए आपको कुछ एड्स की जरूरत पड़ सकती है जो कि कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। सो इन सिमुलेशन रोल प्लेइंग इज डन इन आर्टिफिशियल सिचुएशंस विच आर अनसाइकोलॉजिकल एंड इम्प्रैक्टिकल। इन सिमुलेशन इज लाइक सोशल ड्रामा और सॉर्ट ऑफ सॉर्टिंग। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कुछ लोगों का मानना था कि जो स्टडी होती है, ठीक है, जो टीचिंग होती है वो एक सीरियसनेस ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, होती है, ठीक है, बट एज अ स्टिमुलेटेड टीचिंग आप उसको एक सॉर्ट ऑफ गेमिंग लेते हो या एक इंटरेक्टिव चैटिंग की तरह लेते हो जो कि एक लर्निंग की जो इम्पॉर्टेंस है, सीरियसनेस है, उसको रिड्यूस करती है, जो कि इसका मेन डिमेरिट या लिमिटेशन है, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स अ सुपरविजन बाय ट्रेनिंग पर्सनल विच आर जनरली नॉट अवेलेबल और नॉट डिवोटेड बाय द ड्यूटीज। कि जो पर्सनल उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए चाहिए होता है उनको उस लेवल का नहीं मिलता, ठीक है, तो उनको आपस में ही एडजस्ट करना पड़ता है, विच ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ दिस मैथड। सिमुलेशन अटेम्प्ट्स टू पोर्ट्रे द रियल सिचुएशन इन अ सिंपल वे विच इन जनरल आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। सो दिस वॉज माई सेशन, आई होप आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्या क्या ऐड करना है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम कोशिश करेंगे टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट को हम बहुत जल्दी खत्म कर लें और ICT के टॉपिक्स भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी। ओके, सो सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल।